गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू SPCIC ऑनलाइन क्लासेस में आपका। आज हम लोग क्लास थर्ड सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं फेस वैल्यू क्या होती है और प्लेस वैल्यू क्या होती है। तो फेस वैल्यू वो होती है बच्चों, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन इट्सेल्फ इज कॉल्ड इट्स फेस वैल्यू। मतलब कोई भी डिजिट अगर हम कहें 4 है, 4 की प्लेस वैल्यू तो वो खुद ही होगी 4 ही होगी। 5 की प्लेस वैल्यू तो 5 होगी, 6 की प्लेस वैल्यू तो 6 होगी। द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन इट्सेल्फ, खुद ही इट्सेल्फ इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू क्या होती है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इट्स डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन। प्लेस वैल्यू जो होती है वो आपकी पोजिशन पर डिपेंड करती है, और फेस वैल्यू जो होती है वो आपकी इट्सेल्फ ही होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो प्लेस वैल्यू उसको हम लोग कैसे पोजिशन पर डिपेंड करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। क्या हो गया आपका, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। यहाँ पे देखिए, कोई एक हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या है, 4 5 3 2। इसको अगर हमको इसमें रखना है प्लेस वैल्यू में तो कैसे रखेंगे, देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये 2 के प्लेस पे हो गया 2, फिर ये हो गया आपका 10 के प्लेस पे हो गया 3, फिर 100 के प्लेस पे हो गया 5 और 1000 के प्लेस पे हो गया 4। अब देखिए, जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो इधर से पुट करते हैं राइट साइड से, और जब हम वैल्यू पढ़ते हैं तो यहाँ किधर से पढ़ते हैं, लेफ्ट साइड से। देखिए 4532, ठीक है, इस तरह से 4532 लिखेंगे तो राइट साइड से, और अगर पढ़ना होगा तो लेफ्ट साइड से। ठीक है, समझ में आया आपको। फेस वैल्यू क्या होती है, वो इटसेल्फ यानी खुद ही जो वैल्यू होती है वही उसकी क्या कहलाती है, फेस वैल्यू। और प्लेस वैल्यू जो होती है वो उसकी किस पर डिपेंड करती है, आपकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। और पोजीशन कैसे हम लोग बताते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग आपका एक्सरसाइज पे आपको चलते हैं, बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है कि आपको नंबर्स डिजिट्स दिए हैं और उनकी फेस प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। जैसे कि अब हम आपसे कहें कि यहाँ पर आपका, देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे नंबर्स को बताते हैं। यहाँ पर देखिए, ये डिजिट ये 2 दिया है ना, अगर हम 2 का पूछे 2 का प्लेस वैल्यू क्या है, देखिए ऐसे आप ऐसे बता सकते हैं 2 आपका कहाँ पर है, वंस की जगह पर है, तो वंस की जगह पे है तो 2 ही रहेगा। और अगर टेंस की जगह पे होता है तो देखिए, टेंस की जगह पे हम लोग क्या रखते हैं, वंस की जगह पे 1, टेंस की जगह पे 10 से मल्टीप्लाई, 100 की जगह पर 100 से, और 1000 की जगह पर 1000 से। ठीक है, तो देखिए ये तो आपकी 2 की प्लेस वैल्यू 2 हो गई। फिर 3 की निकालेंगे तो 3, और ये 3 कहाँ पर है आपका, टेंस के प्लेस पे है, तो 3 × 10 यानी कितना हो जाएगा आपका 30। ठीक है, फिर इसी तरह 5 का निकालेंगे तो 5 कहाँ पर है, 100 के प्लेस पे है, तो 5 × क्या हो जाएगा 100 यानी कितना आ जाएगा 500। फिर यहाँ पे देखिए 4 कहाँ पर है, 4 आपका 1000 के प्लेस पर है, तो 4 × 1000 कर देंगे तो यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 4000। ठीक है, तो यानी हर डिजिट की अलग अलग प्लेस वैल्यू आपको पता हो गई। इस तरह से आपको प्लेस वैल्यू हर डिजिट की, ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज 1.4 पर। देखिए एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, यहाँ पे आपको बता रहा है कि गिव द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर, यानी कोई आपको एक नंबर दिया रहेगा उसके हर डिजिट का आपको प्लेस वैल्यू बताना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
give the place value of each digit in the given number. ठीक है, हमको हर नंबर का क्या बताना है, प्लेस वैल्यू बताना है. तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 3, 9, 5, 4. तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर हम इसको इसमें डिवाइड करते हैं इसके कॉलम्स में, तो ये होता है आपका क्या, 1, 10, 100 और ये होता है आपका 1000. ठीक है, तो देखिए 1, आपको पता है 1 के लिए यहाँ पे किसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का, 10 के लिए 10 का, 100 के लिए 100 का, 1000 के लिए 1000 का. तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है 3, 9, 5, 4. तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 का 1 में करेंगे तो आपका क्या आएगा, 4 ही आएगा. फिर 5 कहाँ पर आपका प्लेस पे है, 10 पे है, तो क्या हो जाएगा, 5 × 10, तो यानी कितना हो जाएगा आपका 50. फिर देखिए 9 आपका कहाँ पर है, 100 के प्लेस पे है, तो 9 × क्या हो जाएगा आपका 100, तो यानी कितना हो जाएगा 900. फिर इसी तरह आपका 3 कहाँ पर है, 3 देखिए आपका है 1000 के प्लेस पर, तो 3 × क्या हो जाएगा 1000, तो यानी कितना हो जाएगा 3000. ठीक है, इस तरह से आपको हर डिजिट की प्लेस वैल्यू आपको बतानी है. ओके, ये क्लियर हो गया. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ आपसे कह रहा है इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. तो सेकंड पार्ट इसको नोट कर लीजिए आप लोग. सेकंड फॉर्म है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए. क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है 7, 0, 6, 2. अब देखिए 7, 0, 6, 2 आपका कहाँ पर है, देखिए 2 जो कहाँ है आपका, 2 है आपका 1 के प्लेस में, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा आपका 2. फिर 6 है आपका कहाँ पर, 10 के प्लेस में, तो 6 × 10 क्या हो जाएगा आपका 60. ठीक है, फिर 0 है आपका 100 के प्लेस में, तो 0 × 100 आपका क्या हो जाएगा 0. और 7 है आपका 1000 के प्लेस में, तो 7 × 1000 क्या हो जाएगा 7000. अब क्लियर हो गया आपको. अब इसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ये चीज़ दिया है और आपको ये पूछ रहा है कि यहाँ पर ये नंबर्स कौन से होंगे पूरे जिनकी आपकी प्लेस वैल्यू बताई गई है. ठीक है, तो अगर जो वंस के यहाँ पे जो पहला नंबर होगा वो वंस के प्लेस पे होगा, जो दूसरे पर होगा वो टेंस के प्लेस पे होगा, जो थर्ड नंबर पे होगा वो 100 के प्लेस पे होगा, और जो फोर्थ नंबर पे होगा वो 1000 के प्लेस पे होगा. देखते हैं हम लोग सेकंड नंबर के क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, गिव द नंबर फ्रॉम द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट, प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट. तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या दे रहा है, अभी तक हम लोग को नंबर्स दिए रहते थे, हमें उनका प्लेस वैल्यू बताना था. अब आपसे क्या कह रहा है, आपको ऐसे कॉलम दिए रहेंगे यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन है आपका, ऐसा कॉलम दिया है. ठीक है, यहाँ पे आपका जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे ऐसे लिखा है 9. यहाँ पे जो सेकंड वाला है यहाँ पे यहाँ लिखा है आपका 20. फिर ये जो थर्ड वाला है नंबर यहाँ पर लिखा है आपका 800. फिर ये जो फोर्थ वाला है यहाँ पर आपका लिखा है 6000. ठीक है,
तो आपको पता है यहाँ से हम लोग कंपेयरिंग करेंगे 6000 कहाँ पर है, यहाँ पे 1000 वाला प्लेस ये है ना, तो सबसे लास्ट में ये 6 हो गया, फिर 1000 के बाद क्या आता है 100 की जगह पे क्या है 8 हो गया, फिर देखिए टेंस की जगह पे क्या है 2 हो गया, और वंस की जगह पे क्या है आपका 9 हो गया, तो क्या बन गया ये 6829, ठीक है। इस तरह से आपको प्लेस करना है, ये आपको बुक में दिया हुआ है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है इसको देखकर, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा 6829, क्लियर हुआ आपका। फिर देखिए एक सेकेंड इसका और क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर जैसे आपको दिया है उसको नोट कर लीजिए, देखिए यहाँ पर जो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है वो आपका ये दिया है, यहाँ पर आपका जो नंबर है वो है 9 है, सॉरी 5 है, और ये आपका 70 है, ये आपका 0 है, और ये आपका 8000 है। तो देखिए हम लोग यहाँ से लिखते ना, यहाँ पे लिखिए, देखिए वंस की जगह पे 5 है, टेंस की जगह पे 70 है, 100 की जगह पे 0 है, और 1000 की जगह पे क्या है 8000, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हो गया 8000, अब 100 की जगह पे 0 है तो 0, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 70 कहाँ है टेंस के प्लेस पर है, और वंस के प्लेस पे क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे 8075, ठीक है। इस तरह से आपको ये ब्रैकेट को फिल करना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, गिव द एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई भी नंबर्स आपको दिए हैं तो उसको कैसे हम आप लोगों को पूरा एक्सपेंड करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसको नोट कर लिए हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में बताना है, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में आपकी वैल्यू जैसे ये दी हुई है, यहाँ पर देखिए जब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो राइट साइड से करते हैं, और जब पढ़ते हैं तो लेफ्ट साइड से। देखिए मान लीजिए यहाँ से कंपेयरिंग करते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपकी जो क्वेश्चन दिया है वो आपका ये दिया है, क्वेश्चन है आपका 5837, ठीक है। तो आप इसको देखिए कैसे पढ़ेंगे, यहाँ पे ये वंस की जगह पे हो गया, ये टेंस की जगह पे, ये 100 की जगह पे, ये 1000 की जगह पे, तो पढ़ेंगे कैसे 5837। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रख दीजिए आप, यहाँ पे देखिए 1000 की जगह क्या है 5 है, 100 की जगह क्या है 8 है, और ये टेंस की जगह क्या है 3 है, और यहाँ पर आपका 7 है। तो इसको एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिखते हैं आप लोग देखिए, वैल्यू तो हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं 7385, लेकिन अगर हमको रीड करना होता है तो हम क्या करते हैं इधर लेफ्ट साइड से लिखते हैं चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये 5 कहाँ पे है 1000 के प्लेस पे, तो क्या हो जाएगा 5000। अब देखिए यहाँ पर आपसे कह रहा है 8, देखिए कहाँ पर है 100 की जगह पे है, तो हम क्या लिखेंगे 8 5000, 8 कहाँ पर है आपका 100 के प्लेस पे है, तो 800 837, इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए
इसको एक्सपेंड करने के बाद देखिए, एक फॉर्म इसका ये होता है एक्सपेंड करने का, और एक आपको कैसे करना है ये आपको वर्ड्स में लिखना होता है, तब आप इस तरह से लिखते हो। एक तो इसका फॉर्म ये हो जाता है, और आपको जब दूसरी तरह से एक्सपेंड करने को कहे तो देखिए यहाँ पर फाइव कहाँ है आपका, थाउजेंड की जगह पे हो, तो फाइव का थाउजेंड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव थाउजेंड। फिर एट कहाँ है आपका, हंड्रेड के प्लेस पे है, तो एट का हंड्रेड में करेंगे तो ये एट हंड्रेड। इसी तरह थ्री कहाँ है आपका, टेंस के प्लेस में, तो थ्री टेन जैसे हो जाएगा थर्टी, और सेवन वन जैसे क्या हो जाएगा सेवन। यानी इसको हम लोगों को इस तरह फॉर्म में प्ले एक्सपेंड करना है, ठीक है। फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड थर्टी सेवन, और जब आपको वर्ड्स के फॉर्म में कहें तो आपको ये इस फॉर्म में करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपको करना है वो ये वाला काम करना है, यानी इसको एक्सपेंड करना है। फाइव देखिए कहाँ था, थाउजेंड के प्लेस पे, एट कहाँ था हंड्रेड के प्लेस पे, और थ्री कहाँ था टेंथ के प्लेस पे, और सेवन कहाँ था वन के प्लेस पे, ठीक है। इस तरह से करना है। ये वाला भी आपके सिलेबस में नहीं दिया है, तो आपको कौन सा एक्सपेंड फॉर्म करना है ये। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए जैसे आपको सेकंड क्वेश्चन आपको ये दिया है, सेकंड क्वेश्चन है आपका फोर जीरो सेवन नाइन, ये आपका दिया है सेकंड क्वेश्चन फोर जीरो सेवन नाइन। अब इसका एक्सपेंड फॉर्म आपको बताना है, तो देखिए एक्सपेंड फॉर्म हम लोग कैसे बताएंगे इसका, यहाँ पर देखिए पुट कर लीजिए इसको, यहाँ से पुट करते हैं, नाइन कहाँ है आपका वंस के प्लेस पे, सेवन कहाँ है आपका टेंस के प्लेस पे, जीरो कहाँ है आपका हंड्रेड के प्लेस पे, और फोर कहाँ है आपका थाउजेंड के प्लेस में। इसको एक्सपेंड करिए आप लोग, तो देखिए एक्सपेंड करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, फोर कहाँ है आपका थाउजेंड का, फोर का थाउजेंड में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा फोर थाउजेंड, ठीक है। फिर देखिए हमारा क्या कह रहा है, जीरो कहाँ है, जीरो जो है हंड्रेड के प्लेस में है, जीरो का किसी भी अगर हम डिजिट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो आपका क्या आता है, जीरो ही आता है, तो ये आपका हो जाएगा जीरो। अब सेवन का टेन में करेंगे तो क्या हो जाएगा सेवेंटी, नाइन का वन में करेंगे तो क्या हो जाएगा नाइन। यही बस इतना ही काम इसमें करना है, ये आपका कौन सा फॉर्म कहलाएगा, एक्सपेंड फॉर्म कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि गिव द न्यूमरल शॉर्ट फॉर्म में, जैसे ये नंबर आपको दिया रहता था तो हमको इसको एक्सपेंड करना था। अब क्या करना है, इसका जस्ट अपोजिट, अगर ये एक्सपेंड फॉर्म आपको दिया है तो इसको कंबाइन करके एक नंबर के फॉर्म में लिख देना है, ठीक है। यही हमें क्वेश्चन नंबर फोर्थ में करना है। अगर ये नंबर दिया था तो एक्सपेंड फॉर्म करेंगे, और एक्सपेंड फॉर्म दिया होगा तो उसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, नंबर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका शॉर्ट फॉर्म, देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका दिया है सेवन थाउजेंड प्लस हंड्रेड प्लस टू प्लस सिक्स। अब आपको कह रहा है इसको कंबाइन करके एक न्यूमरल के शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, कैसे फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अगर हम लोग लिखते हैं तो अब आप देखते हैं इसको लिखिए ये है, अब इसको डिजिट में लिखना है, तो आप देखिए यहाँ पे वंस की जगह पे सिक्स, टू हंड्रेड की जगह पे वन, और थाउजेंड की जगह पर क्या हो गया सेवन। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, अब इसे देखिए पढ़ना होगा सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड टू ट्वेंटी सिक्स, ठीक है सेवन थाउजेंड वन हंड्रेड ट्वेंटी सिक्स। बस जो ये आपका एक्सपेंड फॉर्म में दिया है इसको कंबाइन करके शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखना है। जैसे इसका एक सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सेकेंड आपका क्या कह रहा है, वन हंड्रेड प्लस ट्वेंटी प्लस फाइव, ठीक। अब इसको कंबाइन करके लिखना है, अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो देखिए इसका दूसरा मेथड ये है, ये वन थाउजेंड लिखा है, यहाँ पे ये ट्वेंटी ऐड करें, यहाँ पे ये फाइव ऐड करें, देखिए ऐड कर दीजिए इसको आप क्या आ जाएगा वन फाइव टू जीरो वन, यही वही आ गया ना,
इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये इसका सेकंड मेथड है। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, जहाँ से आपको सुटेबल हो वो आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें मैंने सारे क्वेश्चंस हर पार्ट के बता दिए हैं, और जो बचे हुए हैं वो आपको होमवर्क में करना है। जो नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।